नमस्कार, मेरा नाम है मोहनीश दीवान। तो आप लोग पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे आकृति मिलान से संबंधित प्रश्न, और आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो आज के वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ आकृति पूरक से संबंधित। तो आकृति पूरक में क्या होता है, एक बड़ा सा चित्र दिया रहेगा और चित्र चार भागों में बांट दिया जाता है, तो एक भाग को छुपा दिया जाता है, और जो छुपाया वाला जो चित्र रहता है उसमें चार विकल्प में मौजूद रहता है, और उनमें से आपको छुपाया चित्र को देखना होता है कि कौन सा चित्र उसमें फिट बैठेगा। तो इससे संबंधित प्रश्न समझने के लिए आप लोगों को ले चलता है कंप्यूटर सिस्टम पर, और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप लोग पिछले वीडियो में आकृति मिलान वाला आप लोग देख चुके होंगे और समझ आ गया होगा। तो आज के वीडियो में हम बताएंगे आकृति पूरक, मतलब एक आकृति दिया होगा उसमें एक साइड में एक लुप्त होगा छुपा हुआ, तो उसको आपको उसमें मिलान कराना है, वो फिट होगा कि नहीं, ऐसे संबंधित प्रश्न नवोदय विद्यालय में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपके लिए सुविधा के लिए हमने प्रश्न पत्र का पीडीएफ फाइल बना लिए हैं, तो मैं बहुत लास्ट में दूंगा इसको। भाग तीन, निर्देश है दिए गए प्रश्नों में रेखा के बाई तरफ एक प्रश्न आकृति दी गई है। तो यह आकृति दिया हुआ है, इस आकृति का भाग गायब है, तो यह हिस्सा गायब है। दाई तरफ से दी गई एक दो तीन तथा चार उल्टा आकृतियों को देखें, उस आकृति को ढूंढें जो बिना दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरह ठीक बैठती है कि प्रश्न आकृति का पैटर्न पूरी तरह बन जाता है। सही उल्टा चुनकर संलग्न उत्तर पत्रिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी संख्या जैसे एक दो तीन या चार में उत्तर लिखें। ठीक है, तो आप सभी लोग समझ आ गया। अब इसमें आपको आकृति पूरक, मतलब आपको ये जो पूरक है इसको पूरा करना है। आपको यहाँ पर एक आकृति दिया है बड़ा सा, और इसमें इसको लुप्त कर दिया गया है, और इसमें चार ठोक दिया हुआ है एक दो तीन चार करके। अब इसमें आप लोग को इसमें मिलान करना है कि कौन सा आकृति है जो यहाँ पर फिट बैठेगा। हाँ, अब देखिए इसको आप मिलान करते जाइए कि बैठता है कि नहीं बैठता है, क्योंकि यहाँ पर हर चारों तरफ आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि इसको मिला करके ये भी लगे इसमें भी यहाँ पर दिखने लगना चाहिए इस टाइप का। ठीक है, तो जैसे इसको करते हैं तो यहाँ पर मिस्टेक है, क्योंकि ये डबल बॉर्डर बना हुआ है। ठीक है ना, अब इसको लेते हैं तो इसमें भी एक चीज गड़बड़ है, तो इसके साथ मैच निखार रहा है। तो ये आकृति को लेते हैं तो ये आला मिल जाता है। ठीक है, ये भी आ जाता है, और साथ में इसकी जो लाइन है ये भी आ जाता है, इसके बाद ये जो खाली वाला ये भी आ जाता है, मतलब ये तीसरा नंबर का है, यहाँ पर मैच खाएगा, उसका मतलब इसका तीसरा नंबर सही उत्तर है, और चौथा देखे तो यहाँ पर बिल्कुल मैच नहीं खाता, मतलब इसका सही उत्तर है तीसरा नंबर का। तो ये आकृतियों को यहाँ मिलाने से ये पूरी आकृति बन जाता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, जैसे अगला का प्रश्न देखते हैं, तो अब देखिए ऐसी सेम का सेम यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये जैसे ये इसका आगे पीछे हुआ है, तो ये सारी दिशाएं आप लोग को अच्छे से देखना है कि इसका जोड़ी यहाँ पर कैसे फिट होगा। जैसे ये देखिए यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए, जैसे ये इस टाइप का बना हुआ है, इस टाइप का बना है, तो हम अपने को इसके लिए देखना है यहाँ पर कि इसमें कौन सा चित्र फिट बैठता है। अब यहाँ पर आप फटाक से देख सकते हो, जैसे ये है तो यहाँ पर आपको सीधा एक ही बार दिख गया, यह मतलब इसका सही उत्तर है पहला, तो बाकी देखोगे तो कोई भी चित्र मैच नहीं खाता, ये भी नहीं खा रहा है, ये भी नहीं खा रहा है, ये भी नहीं खा रहा है, तो सीधा ये सही उत्तर है पहला नंबर का। ठीक है, उसके बाद तीसरा देखते हैं, तीसरा को भी बड़े ध्यान से देखिए ये कैसे बना है, यहाँ पर ऐसा बना है, यहाँ बना है, यहाँ पर गोल गोल लगा हुआ है, गोल बिंदी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैच कराना है, इसको कैसे कराओगे ये बड़े ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। आप देखिए ये जो गोल गोलाकृत आकार बना हुआ है ये अंदर साइड गया है, जबकि ये बाहर होना चाहिए, तो मतलब ये नहीं है।
दूसरा देखते हैं तो दूसरा में आपको मिलेगा ये भी पूरा अंदर ही है, तो इसे फिट नहीं बैठेगा क्योंकि ये सब बाहरी बाहर है, इसके इस डब्बे से यहाँ पर बाहर है। उसके बाद तीसरा देखते हैं, तीसरा में जो गोल है वो भी गायब है, ठीक है, तो ये भी तीसरा वाला मैच नहीं खा रहा है। चौथा देखते हैं, तो चौथा वाला देखते हैं तो यहाँ पर फिट करके देखेंगे तो ये सारी चीज़ मैच खा रहा है, मतलब यहाँ पर मिलान हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको मिला मिला के देखना पड़ता है। उसके बाद हम अगला चित्र आते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कभी ऐसा होता है। अब यहाँ का ऊपर नीचे है, एक इस पार है एक इस पार है, तो यहाँ ऊपर वाला देख लो ये ऐसा बना है, ये त्रिभुज का आकार बना है, ऐसा बना है, तो जस्ट इसके नीचे वाले भी वैसे बनेगा, बस चेंज होगा ये काला वाला, यहाँ पर काला किया गया है। तो यहाँ पर ये यहाँ पर इस टाइप का ऐसा मिलना चाहिए, ये ऐसा मिलना चाहिए, काला वाला ऐसा होना चाहिए, और ये जो ये आकार है यहाँ पर ऐसे बनना चाहिए। तो यहाँ पर अपने को देखना है, जैसे काला वाला देखते हैं तो काला वाला तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं मिल रहा है आपको, देखो पहला दूसरा इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, मतलब सीधा सीधा आपको चौथा वाला सही उत्तर है, ठीक है। आप इसको मिलान करा दो, जैसे ये है तो यहाँ पर रखोगे तो मिल जाएगा, उसके बाद इसको यहाँ लगाओगे तो ये भी ऐसे करके मिल जाएगा, और ऐसे करोगे तो ऐसे मिल जाएगा, काला वाला देखो तो यहाँ फिट हो जाएगा, मतलब ये सही उत्तर आपका चौथा नंबर है, ठीक है। तो इसी तरह से मिलान किया जाता है। अब ये लास्ट प्रश्न है यहाँ पर दिया हुआ है, अब देखिए अब यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए, देखिए ये ऊपर नीचे है, ठीक है ना, यहाँ ये काला वाला ऐसा बना हुआ है, ये काला वाला गोला ऐसा बना हुआ है, हाफ गोला है ये देखो। अब यहाँ पर इसके साथ फिट बैठना चाहिए, तो कौन सा फिट बैठता है इसको देखना है ध्यान से। अब देखो यहाँ पर पूरा काला गोला किया गया है, तो कई लोग क्या है यहाँ पर धोखा भी खा सकते हैं, जैसे पहला नंबर है तो पहला नंबर आपको ऐसा लग रहा है ये मैच खा रहा है, ठीक है, बहुत बारीकी से देखना पड़ता है, अगर ये भी चेंज हो गया तो मतलब वो मैच नहीं खाएगा। जैसे आपको सही उत्तर देखना, ये चौथा नंबर वाला ये सही उत्तर है, ठीक है, तो दोनों को मिलान कर लो, हाँ ऐसा बन रहा है ऐसा बन रहा है, ठीक। तो इसी तरह से आपको मिलान करना है यह प्रश्न, मतलब अधूरे आकृतियों को पूरा आकृति बनाना है आपको हल करते हुए, ठीक है। नौरे का इस टाइप का प्रश्न पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, इसको हम मानसिक योग्यता परीक्षा बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं रीजनिंग बोलते हैं, वर्बल रीजनिंग नॉन वर्बल रीजनिंग ऐसा भी आता है, ठीक है। आप सभी लोग को समझ आ गया, तो आज का वीडियो बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों यह वीडियो आप सभी लोग को समझ आ गया होगा, आकृति पूरक से संबंधित प्रश्न, तो हम लोग जान गए थे कि आकृति को पूर्ण कैसे किया जाता है, जिसमें चार रहता है, जो हाइड हिडन चित्र रहता है उसको कैसे ढूंढ के उसमें मैच कराया जाता है, तो आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। और यह वीडियो आप लोग को समझ आ गया होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर दिएगा। यदि आप इस चैनल में नए आ गए हैं तो लाल वाली बटन को सब्सक्राइब करिएगा, और इस तरह का मैं नया नया जानकारी लेकर आते रहूंगा, जाने का इजाजत दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।